मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में पन्ना जाने से पहले पवई पहुंचे, जहां विश्राम गृह के सामने पवई के युवाओं ने गर्मजोशी के साथ उनका आत्मीय स्वागत किया। साथ ही युवाओं ने मां कलेही का चित्र भी भेंट किया। इस दौरान जालम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक द्वारा लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं, आने वाले समय में और भी विकास कार्य होंगे। इस अवसर पर समाजसेवी डॉक्टर अमित खरे, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष पुष्पेंद्र पटेल एवं कानू राजा सहित सैकड़ों की संख्या में युवा जन मौजूद रहे। पवई से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। गुरु आदरणीय जालम सिंह जी का आज पहली बार मां कलेही की धारा पवई में आगमन हुआ। आज हमारे युवा समाजसेवी और हमारे युवा नेता भाई कानू राजा ने और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का कांड की सदस्य हमारे युवा भाई साहब हमारे पुष्पेंद्र भाई साहब ने और सारे युवाओं ने सबने मिलकर पत्रकार बंधुओं ने मिलकर सारे युवाओं ने अच्छा स्वागत किया। आज वो रानी दुर्गावती की कार्यक्रम में आज पन्ना उनका आगमन हुआ था। आज पहली बार पवई में उनका स्वागत हुआ युवाओं ने बढ़ चढ़ के। पवई विधानसभा के लिए हमारे युवाओं ने उनसे चर्चा की, हमारे पत्रकार ने उनसे पूछा विकास के लिए, तो उन्होंने बोला कि आदरणीय बीडी भाई साहब के नेतृत्व से हमारी लोकसभा चल रही है, हमारे आदरणीय प्रहलाद जी विधायक यहाँ से निरंतर विकास की गति बह रही है। आज रानी अवंती बाई की जन्म जयंती के कार्यक्रम में हम लोग पन्ना पहुँच रहे हैं। और यहाँ क्षेत्र की बात है तो हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ से सांसद बाकी और भी नेता मंत्री पूर्व में भी रहे, आदरणीय कृष्ण महले जी भी रहे, और ऐसा मानता हूँ विकास की गति में समानता से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती, कोई भेदभाव नहीं करती। कहीं अगर दूर कहीं ऐसा लगता है कमी है तो जरूर इसको सरकार दूर करेगी, ऐसा मेरा मानना है।